हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस मिशन 2023 को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। तो आज ये हमारा 6 नंबर पर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग के बेसिक्स में क्लियर करवा चुका हूँ और 1 नंबर के क्वेश्चन में क्लियर करवा चुका हूँ। देखो, हर वीडियो में मैं इसको मार्क करता हूँ ताकि ये आप लोगों को बार बार दिखते रहे कि भाई सिर्फ इतना सा पढ़ लो यार, 7 नंबर हमारा हो जाएगा। सिर्फ इतना सा पढ़ लो, 7 नंबर हमारा हो जाएगा। तो अब 6 अंक के क्वेश्चन देखना कैसे टाइप के आते हैं, ठीक है? 6 अंक के क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग शुरुआत करते हैं 6 अंक के क्वेश्चन के लिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है बड़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा रहे क्योंकि वो 6 नंबर देके जाएगा, क्योंकि वो 6 नंबर देके जाएगा। देखो, अभी मैं इतना पढ़ाया आपको ना, व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में नहीं बताया हूं मैं, ठीक है? व्युत्क्रम आव्यूह को ही ना प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। आपके में क्वेश्चन आएगा या तो व्युत्क्रम आव्यूह के नाम से या प्रतिलोम आव्यूह के नाम से, दोनों सेम है, ठीक है? देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोला, अगर आपको प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह अगर फाइंड करने बोल दिया है, तो उसका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से बस देखते रहना। तो क्या होता है, प्रतिलोम आव्यूह को हम ए इनवर्स से शो करते हैं। प्रतिलोम आव्यूह को ए इनवर्स से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ए। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको एकदम याद कर लो, एकदम से याद कर लो, ठीक है? अभी सब क्या है सब बताऊंगा। तो अगर आपको ये प्रतिलोम ज्ञात करना है या व्युत्क्रम बोल लो, इसको बोलते हैं प्रतिलोम, प्रतिलोम आव्यूह, ये हो गया प्रतिलोम। अगर आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है तो आपको कितने संघर्ष का सामना करना पड़ेगा वो मैं अभी बताता हूँ, वो मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सारणिक क्या है। देखो सारणिक अगले अध्याय में मैं पढ़ाऊंगा, है ना, इसके बाद वाले जस्ट अध्याय में आपको सारणिक बताऊंगा, ठीक है? तो अभी मैं सारणिक के बारे में बेसिक बता दूंगा। सारणिक के बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ जाओगे वही चलेगा। सारणिक के बाद उपसारणिक आपको आना चाहिए। कैसे होता है, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे स्टूडेंट हो सब बता डालेगा अपन। सारणिक उपसारणिक के बाद आपको सखंड क्या होता है पता रहना चाहिए। सखंड, ये सखंड। अब सखंड के बाद आता है ये हमारा एडजॉइन, इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइन और हिंदी में बोलते हैं सखंडज, 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 सखंडज बोलते हैं। और इस सखंडज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइन। आव्यूह ए का निकालूंगा तो यहाँ पे ए लिख दूंगा, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है सहखंड का परिवर्त, सहखंड का, सहखंड का परिवर्त, सहखंड का परिवर्त। तो सहखंड आ जाएगा तो उसका परिवर्त कर दोगे तो सहखंड आ जाएगा। इस ये चारों अगर निकाल लोगे तो आप ये निकाल सकते हो प्रतिलोम, प्रतिलोम आव्यूह आप निकाल सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए है, मैं ए इनवर्स यानी कि प्रतिलोम आव्यूह ए का निकाल रहा हूं, तो यहां पे भी ए होगा और यहां पे भी ए है। यहां तक बात क्लियर है? अगर आव्यूह बी दे दिया तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट यानी सहखंडज किसका, सहखंडज बी का, सारणिक किसका, बी का। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो आप लोग इसको रट डालो, ये कंसेप्ट की बात किया, रटने वाली बात ही नहीं है ये। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो आप लोग को सारणिक निकालना है, फिर उपसारणिक, सहखंड, सहखंडज, फिर प्रतिलोम। देखने से ऐसा लगता है कि क्या करें सर, ये तो इतना बड़ा है, मैं बोला ना बहुत ज़्यादा इजी है, मैं पढ़ाऊंगा वैसा ना, फिक्र मत करो। तो अब मैंने इसको ना डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से बता रहा हूँ, क्वेश्चन से डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन से, ठीक है? इससे पहले कि मैं क्वेश्चन चालू करूँ एक चीज़ बता देता हूँ, वो सारणिक का पार्ट है, ठीक है, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग को जानना चाहिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अगर मैं 2x2 का बनाऊँ तो 2x2 का देखो कैसे होगा, 1001, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 का, बस ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बीच वाला है ना, यहाँ पे ये बीच वाला मिडिल, यही बस 1-1 रहता है, बाकी सब क्या रहते, 0-0 रहते, ये 2x2 का। अगर मैं 3x3 का करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का करूं, तो ये देखो ये 1-0-0, 0-1-0, 0-0-1, बस आपको ये जो है ये
बस इसको वन रखना है, बाकी को जीरो। ये थ्री बाई थ्री का है, थ्री बाई थ्री का है, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें मैं और बात करूंगा जब मैं अध्याय चार सारणिक जब पढ़ाऊंगा, तो बस आप लोग इतना याद रख लो। अगर आप लोग को ये आ गया तो छह नंबर का क्वेश्चन आपकी झोली में गिर गया, आ जाए आपका छह नंबर। अब चौरानवे का बस तैयारी करना है, और इससे पहले भी तो कई अंगों का करवा चुका हूं, वो भी तो आ गया है, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसको आप लोग प्यार से देख लो, इसको लिख लो आप प्यार से। ये हम लोग प्रतिलोम फाइंड करने के लिए इतना संघर्ष का सामना करते हैं, तब ये भाई साहब को प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ कि 2010 में आया, ये 11 में आया, 20 में आया, ऐसे नहीं। ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिसका आप लोग को निचोड़ अगर दे दूँ तो अभी जो 2023 में आएगा वो क्वेश्चन फूटना चाहिए आपसे। दिया है आव्यू ए ये हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर होना चाहिए एडजॉइंट ए डॉट ए, और ये होना चाहिए सारणी ए इंटू आई। सब बताऊंगा क्या है कैसा है, ठीक है। ये एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट का मतलब सहखंडज होता है। सहखंडज का फॉर्मूला क्या होता है, सहखंड का ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए का मतलब क्या निकालना है मेरे को, सहखंड का ट्रांसपोज निकालना है। और ए तो मेरे को दिया ही हुआ है, इस ए और एडजॉइंट ए का दोनों का गुणा कर दूंगा। गुणा कैसे करते हैं, सीख क्या है, योग कैसे करते हैं, सीख क्या है, घटाते कैसे हैं, दो आव्यूह को सीख क्या है। तो देखो सिद्ध करता हूं मैं, है ना। अब मैं यहाँ पे से प्यार से हल लिखूंगा, मस्त राइटिंग से लिखते रहना आप लोग भी, चलो सबको सिद्ध करेंगे हम लोग। तो ए हमारा दिया हुआ है आव्यू ए, आव्यू ए क्या दिया हुआ है, एक चार तीन पांच। देखे गाना जैसा लगता है, एक चार तीन पांच। तो मेरा ए तो आ गया, अब एडजॉइंट ए, पहले मैं इसको टारगेट कर रहा हूं, ए गुणा एडजॉइंट ए। तो ए तो मेरा आ गया, एडजॉइंट ए देखो कैसे फाइंड करूंगा। तो एडजॉइंट ए मतलब यहां तक मेरे को पहुंचना है, ये देखो यहां तक मेरे को पहुंचना है। अभी प्रतिलोम नहीं बोला, प्रतिलोम बोलता तो इसको यहां बना देता। अभी मेरे को एडजॉइंट ए मतलब सहखंडज तक पहुंचना है, तो मेरे को पहले ऐसा आना पड़ेगा, सारणिक निकालूंगा, उपसारणिक निकालूंगा, सहखंड निकालूंगा, उसका परिवर्त कर दूंगा, तब सहखंडस तक पहुंचूंगा। तो अभी मान लो हम हैं यहां और हमको चलते चलते आना है यहां, क्लियर भाई, क्लियर भाई। अब एडजॉइंट ए निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले सारणिक निकालेंगे। तो प्यार से लिखो सारणिक, तो प्यार से लिखो सारणिक, लिख दिए सर सारणिक। सर सारणिक कैसे निकालते हैं, देखो सारणिक कैसे निकालते हैं। आव्यू का अगर मैं सिंबल करूं तो आव्यू को ऐसे बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं, और अगर सारणिक की बात करूं, सारणिक की बात करूं तो दो ऐसे डंडे से शो करते हैं। तो अभी हमको सारणिक निकालना है, ये आव्यू ए है क्योंकि ये वाला ऐसा करके सिंबल लगा है हमारा बड़ा ब्रैकेट, और जब दो डंडा लग जाता है ये आव्यू ए कहलाएगा। अब ये मैं ऐसा कर दूं तो ये सारणिक ए कहलाएगा। तो अभी हम लोग को सारणिक निकालना है, तो देखो ये मैं सारणिक लिखा, यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट है उसको दो डंडे से शो करूंगा, ये एक चार तीन पाँच, एक चार तीन पाँच, ये देखो। अब सारणिक निकालते कैसे हैं ये मुद्दे की बात है, तो देखो सारणिक कैसे करते हैं, इसका गुणा इससे, फिर ऋण का चिन्ह, ऋण का चिन्ह, फिर इसका गुणा इससे। बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त टाइप का तो लग रहा है मेरे को, तो मजा आ रहा है। देखो एक का गुणा पांच से, पांच एकम पांच, फिर ऋण का चिन्ह, ऋण का चिन्ह, ये ऋण का चिन्ह, फिर चार का गुणा तीन से, चार तिया बारह, चार तिया बारह। तो क्या आ जाएगा, सारणिक एक की वैल्यू आ जाएगी पांच, माइनस बारह हो जाता है माइनस सात। तो ये हम लोग का बहुत जबरदस्त तरीके से सारणिक की वैल्यू आ गई, सारणिक की वैल्यू आ गई। अब सारणिक के बाद क्या फाइंड करते हैं, उपसारणिक। चलो उपसारणिक फाइंड करता हूं मैं, ये हो गया उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक है, ये हो गया उपसारणिक। देखो कैसे फाइंड करते हैं, बेहतरीन टाइप से लिख रहे हो ना, छह नंबर का क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाना चाहिए एकदम। उपसारणिक देखो कैसे लिखते हैं, उपसारणिक ये होता है एम वन वन से शो करूंगा, ये हो जाएगा पहला वाला M11, M12, M21, M23।
सॉरी एम टू टू यहाँ तक जाऊंगा। तो देखो एम वन वन कैसे चाहिए, तो ये वन वन वाला जो है ये वन वन वाला, ये वन वन वाला है, ये देखो ए वन वन, ये ए वन टू, ये ए टू वन और ये ए टू टू। भाई ये सब बता चुका हूँ ना पहले वीडियो में, पहला वीडियो देख के आएंगे। तो देखो मैं कहाँ हूँ, वन वन की बात कर रहा हूँ, मतलब हम यहाँ पे हैं। तो कैसे निकालूंगा एम वन वन, यहाँ पे तो हम हैं तो इसको तो नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसके सामने वाला पंक्ति, इसके सामने वाले स्तंभ को नहीं लेंगे, जो बचा उसको लेंगे, जो बचा उसको लेंगे, क्या बचा है पाँच, तो ये पाँच हो जाएगा। फिर क्या एम टू वन, एम टू वन में हम लोग कहाँ खड़े हैं एक बात बता दो, एम टू वन, एम टू वन, एम टू वन, सॉरी एम टू वन नहीं यार, एम वन टू ना, एम वन टू, एम वन टू, ये एम वन टू, ठीक है ध्यान से देखते रहना है, वन वन है ये वन टू है। तो आप लोग वन टू में हो, ये वन टू में हो तो इसको नहीं लेंगे, तो इसके सामने वाला पंक्ति, इसके सामने वाला स्तंभ को नहीं लेंगे, जो बचा आप उसको लेंगे, एक्चुअली सारणिक को लेते हैं, सारणिक ये जो भी ना इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, जो बचा ना उसका सारणिक की वैल्यू निकालते हैं, वो तीन बाय तीन में बताऊंगा, अभी जो बोल रहा हूँ बस वही देखो, इसके सामने वाला नहीं लेंगे, इसके सामने वाला नहीं लेंगे, क्या बचा तीन, चुपचाप से तीन लिख देने का। अब एम वन वन हो गया, एम वन टू हो गया, अब एम टू वन, अब ये हो गया एम टू वन, अब एम टू वन क्या है ये ऐसे करके नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट देखो एम टू वन, क्योंकि पेपर में थोड़ा बार बार मिटाओगे, एम टू वन ये तीन में खड़ा हूँ मैं, तो इसके ये स्तंभ नहीं लूंगा, ये पंक्ति नहीं लूंगा, तो क्या बचा चार बचा, तो चार लिख दे भाई। फिर क्या बचेगा एम टू टू, देखो टू टू कहाँ है, ये देखो इस टू टू में खड़े हो, तो इसके सामने वाली पंक्ति, सामने वाला स्तंभ नहीं लेंगे, तो क्या बचा एक, बचा एक को लिख दो, ये लो बस, ये उपसारणिक है, ये उपसारणिक है, छोटा सा प्यारा सा। अब उपसारणिक के बाद क्या करते हैं, ध्यान से अगर देखोगे उपसारणिक के बाद सखंड निकालते हैं, निकालो ना, तो सखंड, ये देखो सखंड, ठीक है भाई सखंड निकाल देते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं, डरना घबराना बस नहीं। देखो सखंड क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, सखंड का एक फॉर्मूला देखो, माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये रहता है ठीक है। एक्चुअली ये सारणिक है ना, एक बाई एक का सारणिक है ये, तो अभी सारणिक के बारे में अभी डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है वो सारणिक में देखेंगे। तो देखो सखंड का ये फॉर्मूला होता है, तो चलो फिर से वन वन वाले पोजीशन में आ जाओ, वन वन वाले पोजीशन में आ गए। तो अगर आप लोग ध्यान दे रहे होगे तो मैं आप लोगों को बताया हूँ ए वन वन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए आई जे होता है, तो जो पहले रहता है वो आई की वैल्यू दी हुई है, जो बाद में रहता है वो जे का वैल्यू दिया हुआ है, आई मतलब पंक्ति की संख्या, जे मतलब स्तंभ की बात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे करा ए टू वन, इसका मतलब क्या है ए आई जे ही है, तो आई की वैल्यू क्या है टू है, ये देखो पहले नंबर में तो आई रहता है, दूसरे नंबर में जे रहता है, तो जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू वन 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 है बस। तो देखो ए वन वन, इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू वन है, इस फॉर्मूले में डाल दो, माइनस वन आई की वैल्यू वन प्लस जे की वैल्यू वन, और ये क्या है सारणिक एम वन वन। तो देखो ये क्या आ रहा है, माइनस वन की पावर टू, और देखो ये एम वन वन क्या मिला है, पांच मिला है, एम वन वन पांच मिला है, ये पांच कर दो। इसको आप चाहो ना तो भाई ऐसे भी कर सकते हो, ये सारणिक में आया पांच, और सारणिक पांच होता है पांच, ये सारणिक में आया तीन, ये होता है सारणिक तीन, सारणिक में चार आया और सारणिक चार होता है ये ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक बाई एक का सारणिक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कोई घबराना नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या आया, माइनस वन की पावर टू, कभी भी ऋण का घात सम संख्या होता है तो हमेशा धनात्मक राशि मिलती है, तो ऋण एक की घात दो है, धनात्मक राशि मिलेगी, तो एक की घात कुछ भी हो एक ही मिलता है, और यहाँ पे तो ऋण है, तो मतलब ऋण एक की घात दो सम संख्या है, तो ऋण एक की घात दो क्या होगी, एक ही होगी, तो एक गुणा पांच हो जाएगा, और एक गुणा पांच क्या हुआ पांच, ये देखो अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा, अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा, तो ये मेरा एम वन वन, एम वन टू, एम टू वन, एम टू टू,
ये ए वन वन, अब ए टू टू की बारी, सॉरी ए वन टू की बारी, ए वन टू की बारी, चलो यहाँ पे पुट करो माइनस वन आई की, आई क्या है वन, प्लस जे क्या है टू, यहाँ पे एम आई और जे है, आई क्या है वन, जे क्या है टू, तो देखो माइनस वन की पावर थ्री और सारणिक एम वन टू क्या है थ्री है इंटू थ्री। अब कभी भी ऋण की घात अगर विषम होते तो हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलती है, तो ये हो जाएगा माइनस एक गुणिले तीन, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, ए वन टू की वैल्यू मिल गई, ए वन टू की वैल्यू मिल गई। अब ए टू टू की वैल्यू खत्म होने वाला है, बस ए ए टू टू मेरा फेवरेट है ना, तो बार बार वही लिखा होता है, ए टू वन भाई, ए टू वन, ए टू वन डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस वन आई की वैल्यू है टू, प्लस जे है वन, और ये क्या होगा वन, सॉरी ये टू वन, तो देखो क्या आया माइनस वन की पावर थ्री, एम टू वन कहाँ है, एम टू वन फोर आया। अब माइनस वन की पावर थ्री होगी माइनस वन, और माइनस वन इंटू फोर क्या हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर, एक ठो और बच गया, एक ठो और बच गया, ए टू टू, ए टू टू, तो माइनस वन की पावर टू प्लस टू, टू प्लस टू इंटू क्या है देखो एम टू टू इंटू वन, तो देखो माइनस वन की पावर फोर आएगा, टू प्लस टू फोर होता है, तो माइनस वन की पावर फोर वन हो जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू टू इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। तो हमारा सखंड क्या आया, सखंड क्या आया, इसको प्यार से ऐसे करके मिटा दूं क्या इधर, इसको ऐसे करके मिटा दूं, ठीक है सर मिटा दो सर, आप ही कही तो बोर्ड है। तो देखो सहखंड हमारे पास क्या आया, सहखंड है ना, ये सहखंड हमारे पास क्या आया, सहखंड हमारे पास क्या आया वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या ए वन वन आया पाँच, उसके बाद ए वन टू, ए वन टू आया माइनस थ्री, फिर ए टू वन आया माइनस नाइन, माइनस नाइन ही, अरे फोर है भाई, देखो कैसे नाइन जैसा लिख दे, माइनस फोर, ये ना नाइन जैसा दिख रहा है, देख रहे हो नाइन जैसा दिखता है, ऐसे थोड़ा करना चाहिए इसको यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है माइनस फोर, ए टू टू क्या आया वन, ये क्या आया सहखंड आया, ये क्या आया सहखंड आया, ठीक है ये आ गया सहखंड। अब इसका क्या निकालना है, सहखंडज, सहखंडज क्या होता है, सहखंड का ट्रांसपोज, उसी को एडजॉइंट ए बोलते हैं, उसी को एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ये क्या है सहखंडज है, सहखंडज को ही एडजॉइंट बोलते हैं। सहखंडज क्या होता है, सहखंड का ट्रांसपोज, सहखंड का ट्रांसपोज, सहखंड का ट्रांसपोज। और क्या करते हैं हम लोग ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये एडजॉइंट है, यहाँ पे लिखा रहा हूँ, क्या है मेरे पास ना जगह की कमी है, मेरे को ना अनंत जगह चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ना पूरा एकदम ऐसे सिर्फ बोर्ड हो और मैथमेटिक्स हो, आप हो और मैं हूँ, और मैं एकदम भयंकर मतलब क्या बोलूँ पूरा भर दूँ, मैं चाहूँ तो अगला स्लाइड ले सकता हूँ पर मैं लेता नहीं करो यहीं, तो देखो लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप दूर दूर लिखेंगे। अब एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है सहखंड का ट्रांसपोज। तो क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, तो देखो पाँच माइनस तीन ये पंक्ति है तो इसको मैं स्तंभ में लिख दिया, ये देखो ये पंक्ति है इसको मैं स्तंभ में लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया, तो ध्यान से देख रहे हो, तो हमारा एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए आ गया हमारा, तो ऐसे करके निकालते हैं एडजॉइंट ए, ऐसे करके निकालते हैं, देख रहे हो एडजॉइंट ए पूरा लिख दिया मैं, एडजॉइंट ए, अभी कुछ कुछ चीज़ों को अब मिटाना पड़ेगा मेरे को, तो ये एडजॉइंट ए हो गया, ध्यान से देखते रहना, ये एडजॉइंट ए। अब मेरे को क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो इसको मैं मिटाता हूँ बहुत दुख के साथ, मेरा मन नहीं है मिटाने का, है ना, मेरा मन नहीं है मिटाने का, पर फिर भी मिटाता हूँ, क्या है इतने मेहनत से लिखे हैं तो क्यों मिटाएंगे बताओ, अब आप थोड़ा मिटा रहे होगे अपना अपने कॉपी का, पर मैं मिटा रहा हूँ ना, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता मेरे को, कैसे पूरा देखो मैं मिटा दिया, तो देखो a इंटू एडजॉइंट ए, कोई बात नहीं, a इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट a का हम लोग को गुणा करना है, तो a क्या है, a है एक चार तीन पाँच, एक चार तीन पाँच गुणा एडजॉइंट a क्या आया, एडजॉइंट a आया पाँच माइनस चार माइनस तीन एक, एक ही आया। अब क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कैसे करते हैं मालूम है क्या बच्चों,
मालूम है क्या कैसे गुणा करते हैं? हाँ सर बताऊं सर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है तो चलो करो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक का गुणा पांच से, तो एक पंचे पांच, फिर धन का चिन्ह, फिर चार का गुणा ऋण तीन से, तो चार तिया बारह और यहाँ पे ऋण है तो माइनस बारह हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब ना सर बताऊं, अब ना सर, सर मेरे से पूछो ना सर, अब ना सर पहली पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ करेंगे, ये गुलाबी गली को देखते रहना। अब ना सर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो एक का गुणा माइनस चार से, तो ये आया सर माइनस चार, फिर धन लगा देंगे, फिर चार का गुणा सर चार एक से करेंगे तो ये आ जाएगा सर चार। अब सर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का भी काम खत्म। अब ना सर देखो क्या करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ ना सर, सर अब ना सर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीन का गुणा पांच से, पांच तिया हो गया पंद्रह, धन का चिन्ह लगा दो, पांच तिया पंद्रह और ये ऋण है तो ये माइनस पंद्रह हो जाएगा। अब ना सर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीन का गुणा माइनस चार से, तो चार तिया बारह और ऋण का साइन है तो ऋण, फिर धन का चिन्ह लगा दो, पांच एकम पांच, ये हो गया सर। गुणा करा मैं, गुणा करा बस मैं। अब देखो क्या हुआ, पांच ऋण और सॉरी धन और ऋण ऋण होता है, तो पांच ऋण बारह, पांच ऋण बारह ऋण सात होगा, ये तो कट गया, माइनस चार प्लस चार जीरो हो गया, ये देखो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो प्लस 15 माइनस 15 कैंसल हो जाएंगे, जीरो हो गया। अब माइनस 12 प्लस 5, माइनस 12 प्लस 5 ऋण सात होता है, ये हो गया। तो ये मेरा उत्तर किसका है बताऊं, ए इंटू एडजॉइंट ए का उत्तर आ गया, ये आ गया। अब इसका उत्तर बराबर होना चाहिए एडजॉइंट ए इंटू ए के, एडजॉइंट ए इंटू ए के, वो भी कर लेते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए के, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। और आप लोग को पता होना चाहिए कि हिमांशु सर को मिटाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर क्या करें मजबूरी रहती है तो मिटाते हैं वो, ठीक है। अब मैं एडजॉइंट ए इंटू ए लिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले लिखो एडजॉइंट ए इंटू ए, तो देखो एडजॉइंट ए कहाँ पे है, एडजॉइंट ए हम लोग निकाले थे ये है 5 - 4 - 3 - 1 एडजॉइंट ए, इंटू ए भी करना है, इंटू ए भी करना है, तो यहाँ पे भी जगह की कमी है और जगह की कमी है, भगवान ने रबड़ नहीं बनाता तो इसको आज मैं मिटाता भी नहीं, सॉरी भगवान कहाँ बनाया, रबड़ इंसान बनाया। एडजॉइंट ए इंटू ए, इंटू ए देखो इंटू ए, ए क्या है, एक चार तीन पाँच। अब आप लोग को गुणा करना सीख गया हो तो मैं और लड़का टाइप का नहीं समझाऊंगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, तो पाँच का गुणा एक से पाँच, धन डाल दो भाई, माइनस चार का गुणा तीन से, चार तिया बारह और इसमें माइनस है तो ये माइनस, ठीक है। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पाँच का गुणा चार से, पाँच चौका बीस, धन का चिन्ह, माइनस चार का गुणा पाँच से तो माइनस बीस आ जाएगा, पाँच चौक बीस और माइनस से करके माइनस। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस तीन गुणिल्ला एक क्या हो जाएगा, माइनस तीन, धन एक का गुणा तीन से तो ये हो जाएगा तीन। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस तीन का गुणा चार से तो माइनस बारह, धन का चिन्ह, एक का गुणा पाँच से तो हो गया पाँच। अब देखो ध्यान से, पाँच प्लस माइनस माइनस होता है, तो पाँच माइनस बारह होता है माइनस सात, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस बीस और माइनस बीस कट कुटा के जीरो, माइनस तीन प्लस तीन ये हो जाएगा जीरो, माइनस बारह प्लस पाँच ये हो जाएगा माइनस सात। आया क्या बराबर, आया क्या बराबर, आया क्या बराबर, आया क्या बराबर, ये देखो ये यहाँ पे देखो ए एडजॉइंट ए बराबर होना चाहिए एडजॉइंट ए इंटू ए के, देखो एडजॉइंट ए इंटू ए के देखो बराबर है। अब एक और बताना है कि भाई सारणिक ए इंटू आई भी इसके बराबर होना चाहिए, तो देखो ध्यान से देखो क्या है, सारणिक ए इंटू आई है ना, तो सारणिक ए हमारा क्या आया था बताऊं, सारणिक ए माइनस सात आया था, माइनस सात आया था यहाँ का, सबसे पहले यहाँ पे देखो बक्सा भी उसी की याद में है, तो सारणिक की मान माइनस सेवन आई थी। और आई क्या है, मैं आपको बताया था कि जो ये कितने बाई कितने का दिया है, दो बाई दो का दिया है, दो बाई दो का दिया है तो आई भी दो बाई दो का करूँगा। अगर ये वाला ना
तीन बाई तीन का देता तो आई भी मैं तीन बाई तीन का लेता। तो अभी क्वेश्चन में जो आव्यू गिवन है दो बाई दो का है, इसलिए मैं दो बाई दो का आई मैट्रिक्स बनाऊंगा। और कैसे बनाते हैं, 1001, ठीक है ये। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, माइनस सात को अंदर गुणा कर दे रहा हूं। माइनस सात को जब गुणा करूंगा, अदिश गुणनफल है ये, तो माइनस सात को जब गुणा करूंगा तो सभी अवयव से गुणा होगा, सभी अवयव से गुणा होगा। तो माइनस सात को, माइनस सात को एक से गुणा करूंगा, माइनस सात को जीरो से गुणा, माइनस सात को इस जीरो से गुणा, और माइनस सात को इस एक से गुणा। तो देखो क्या आ गया भाई, माइनस सेवन इंटू वन माइनस सेवन, जीरो को किसी से भी गुणा करो जीरो, जीरो को किसी से भी गुणा करो जीरो, माइनस सेवन इंटू सेवन माइनस सेवन। ये देख लो तीनों का आंसर, तीनों का आंसर ये देखो चकाचक करके आया तीनों का आंसर। ये देखो भाई, ये भाई साहब का आंसर आ गया, इस भाई साहब का भी आंसर आ गया, और इसका भी आंसर आ गया। ध्यान से देखो, मजा आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये देखो ध्यान से, तो ये बस कर देता हूँ, ये देखो ये आ गया, ये आंसर आ गया, और इसमें इसका आंसर आ गया ध्यान से। और तीनों यार सेम है, छः नंबर का क्वेश्चन है, छः नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोग को मैं यहाँ तक का कलाकारी समझा दिया, सारणिक उपसारणिक सहखंड और सहखंडज। अब देखना अभी आगे के क्वेश्चन में प्रतिलोम आएगा, प्रतिलोम को क्या करना है, एडजॉइंट ए है, सहखंडज तो करना है यहाँ पे, सहखंडज बटे सारणिक ए है, तो सहखंडज बटे सारणिक ए कर दूंगा, तो प्रतिलोम भी निकल जाएगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। तब तक के लिए ना मिशन 2023 में हमारा साथ देते रहिए। कैसे साथ देंगे आप, सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर पा लीजिए, वही हमारा साथ रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।